पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो उसके पहले जब उसके कोई कर्मी नहीं थे, तो जो पहला जन्म हुआ वो किस कोई पहला नहीं है। आदि नहीं अनंत? भाई, स्वप्न में आपका पहला जन्म हुआ था क्या? झूठे को आप सत्य क्यों मान रहे हैं? सभी प्रिय दर्शकों को राधे राधे। महाराज श्री की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम सुनने वाले हैं महाराज श्री के श्री मुख से। बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। हमारा पहला जन्म क्यों और कब हुआ, सृष्टि, ये सारा कुछ आज हम सुनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप समझ भी जाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और महाराज श्री की ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज का एक ज्ञानवर्धक प्रसंग महाराज श्री के श्रीमुख से। तुषार जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से जाना कि प्रभु स्वयं से स्वयं में खेल रहे हैं। प्रभु ने अपना विस्तार सृष्टि रूप में किया है। अगर ऐसा है महाराज जी, तो फिर मनुष्य रूप में भी प्रभु ही है, और फिर उनको स्वयं का विस्मरण कैसे हो गया महाराज जी? यही माया है, यही माया है। स्वयं की जानकारी करनी है और किसकी जानकारी करनी है? आत्मा क्या है? आप ही तो हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं बना हुआ हूं। अपने आप को भूल गए, इन कमरों में आके भूल गए, इस शरीर में आके। अब आपको ऐसा लगता मैं पुरुष हूं? पक्का 100% नहीं लगता मैं पुरुष हूं। फिर अंदर देखो तो मन में इतना तदात्म हो गया, जो मन माना वही हम माना, जो मन नहीं माना वो मैं नहीं माना, जो मन देखना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूं, जो मन सुनना चाहता हूं। ये आप, ये इंद्रियों का विलास है, आपका नहीं है। आप अपने को भूल ही तो गए ना, पर ये बात हो गई तो आप अपने से अपने आप को भूल गए। तो आपको जगाने के लिए वही आपका आत्मस्वरूप गुरुदेव रूप बैठा, वही आपको जगा दिया। जब जगे तो न गुरु न शिष्य, वही एक परमात्मा है, दूसरा नहीं है। ये खेल चल रहा है, आप जाग जाओ। जब जगोगे वास्तविक दृष्टि में, तब देखोगे परमात्मा की सेवा कोई नहीं है। अब उस जे ही जाने, चौपाई का अर्थ समझना, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से ये संसार खो जाता है। कैसे? जैसे आप स्वप्न में देख रहे थे बहुत कुछ, जब आपको जगा दिया गया तो कुछ नहीं था, न स्त्री न पुरुष न भोग न विलासता न दुश्मन न मित्र न संसार, कुछ नहीं था। ये कब पता चला? जब जगे। लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ था ना। ऐसे ही मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई योगी जो परमार्थी है, प्रपंच का त्याग करके भगवान में स्थित, अब वो अंत में आ गए। एक चौपाई का अर्थ समझो, जहां जीव भगवान को जाना तो भगवान में हो गया, और भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो वो भगवान था ही। जब जाला तो अपने स्वरूप को जान गया। अब हम लोग जो इस समय शरीराशक्त है, लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? गंगा जल एक चम्मच तो उसे क्या बोलेंगे? गंगा जल तो बोलेंगे ना, और एक टैंकर भरा हो तो गंगा जल बोलेंगे, और धारा बह रही तो गंगा जल। तो हम अंश है ना भगवान के, तो भगवान का अंश। पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अंश बचा ना, वो भी पूर्ण ही है, पर हम अपूर्ण हैं शरीर के अभिमान के कारण, माया के बंधन में बंध गए हम ही अपने अपनी द्वारा माया। जैसे वो देखा है मकड़ी अपने मुंह से ही पूरा जाला रचती है, उसी में फंस जाती है। बस बस ऐसे ही है, हम अपने जाल में ही फंस गए।
अपने रचे हुए जाल, बंधु कीन बरकत के लाए, अपने जाल में फंस गए, इसमें पक्का बच्चा कोई संशय नहीं है। यदि हम व्यवहार का त्याग करके आंतरिक और परमार्थ को देखें तो वही परमात्मा बैठा हो। आप कौन है? आपकी सत्ता ही नहीं। जब आपका परिचय पूछेंगे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, आप अपना परिचय नहीं बता। जो आपका परिचय है वो परमात्मा का परिचय है, जो परमात्मा का परिचय है वो आपका परिचय है। आप जो परिचय दे रहे हो वो प्रकृति का दे रहे हो, ये प्रकृति के द्वारा रचा शरीर है। और ये जहां जन्मा वहां की बात कहोगे, आप अपना नाम बताओगे, आप अपनी हाइट ऊंचाई फिर सब, ये जितना है सब प्रकृति का परिचय दे रहे हो, परमात्मा का परिचय नहीं। आप में जो बिजली है पावर है वो परमात्मा है, ये बात समझना होगा। ये पहली बार प्रभु जी जब सृष्टि बनी महाराज जी, तो उसके बाद कैसे ये विस्मरण कैसे याद तो रहा होगा जब आप स्वप्न में कोई रचना देखते हैं क्या कि कहां से शुरुआत हुई है? बस ऐसे ही ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। आज तक कहीं तारीख लिखी हो किसी भी पुराण में ग्रंथ में सन संवत्सर, भगवान ने अमुक तारीख को अमुक संवत्सर को अमुक दिन को सृष्टि रची थी? जब सृष्टि रचना की बात आती है तो अनादि शब्द आ जाता है, और जब सृष्टि की बात आती है तो अनंत शब्द आ जाता है। अनादि और अनंत, कोई अंत नहीं पाया, कोई अंत नहीं पाया इस माया का शुरुआत। जैसे आप स्वप्न में क्या शुरुआत थी, तो आप केवल विचरण कर रहे हैं कोई सुना, और आपके सिवा स्वप्न में कुछ नहीं था। आप ही बाजार बने थे, आप ही स्त्री बने थे, आप ही पुरुष बने थे, आप ही मरने वाले बने थे, आप ही मारने वाले बने थे, आप ही समुद्र बन गए, आप ही डूबने वाले बन गए। जब जगे तब पता चला कि कुछ था क्या? कुछ नहीं था, तो आराम से एसी रूम में सो रहे थे। शरीर तो आपका एसी रूम में पड़ा था, लेकिन स्वप्न बिल्कुल ऐसे। बच्चा ये अनादि अनंत भगवान की माया है, ये एक भ्रम है। जैसे एक कई तरह के शीशे के महल में हो, शीशे की कई तरह होते ना, एक आपको बड़ा चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा दिखा देगा, एक टेढ़ा दिखा देगा, कई शीशे होते ना। अब ऐसे शीशे से बना भवन हो तो आप अपने को ही देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि इतने रूप के आदमी इसमें विराजमान है, और जबकि सब रूप आपके ही है। ऐसे ही माया का आकर्षण ऐसा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भास रहा है। ये अनेक रूप है नहीं, वो एक ही है, एक ही पंचभूत है सबके। देखो माया का खेल देखो, अगर किसी की आंख यहां होती तो अलग अलग पहचाना जाता कि उसकी माथे पे उस सबका एक ही ढांचा है, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, सबकी अलग, मतलब उसकी जादूगरी देखो, किसकी? माया की। कितनी बड़ी जादूगरी, उसी माया में हम भूल गए। जब जगे तो माया का अर्थ जानते हो, जो नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो जो नहीं है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। अपने लोग फंस गए, अब इसे छूटने के लिए संगोष्ठी बुलाई जा रही है। अध्यात्म और नाम जप संत समागम यही साधन है जिनके द्वारा हम इस माया से कम इतना तो पता चलने लगा। भले हम शरीर राग नहीं छोड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही रहा कि यार मैं शरीर तो नहीं हूं, आ रहा है ना, तो जागने की शुरुआत होने लगी। अब जगने लगे, जिस दिन जग गए उस दिन आपकी दृष्टि में संसार नहीं होगा, वही परम तत्व परमात्मा केवल दिखाई देगा। जैसे हीटर, फ्रिज, हाइलोजन, जीरो पावर का बल्ब, इन सबको देखने के बाद आपकी महानता कारण पर रहेगी कि बिजली तो सब में एक ही है। यंत्र के प्रभाव से कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं प्रकाश, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, लेकिन बिजली तो एक ही। क्या जीरो पावर में बिजली नहीं है? क्या जीरो वाट वाले में बिजली नहीं? हाइलोजन में भी वही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली तो वही है, यंत्र के अनुसार उसका प्रयोग अलग अलग है। ऐसे ही चींटी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, विद्वान में भी वही परमात्मा है, मूर्ख में भी वही परमात्मा। तो जो कारण तत्व तो परमात्मा को देखने लगते उनके हृदय से सृष्टि का महत्व चला जाता है, और जो सृष्टि को देखता है उसके हृदय से परमात्मा का महत्व नहीं रहता। आप देखो अपनी दृष्टि में सृष्टि है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन अच्छा बुरा, तो परमात्मा का महत्व नहीं, और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है तो फिर इसका महत्व ले। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती कहते। तो हमारे दिमाग में अभी सृष्टि है, प्रकृति है, माया है,
परमात्मा नहीं बैठा, और जब परमात्मा बैठ जाएगा तो माया प्रकट संसार नहीं रह जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने देखा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबको भगवान देखा, सब में राम जी बैठे यही देखा, जड़ में चैतन्य में सब में जहां देखा वहां अपने श्री राम को देखा। श्री राम में सब जग जानी, सबको पूरा। हम कहां देख रहे हैं, हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो हम परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा देख लिया उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रह जाती। ये बात है, अब आगे बढ़ो, भजन करो प्रभु का, और वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे तो आप भी प्रभु में हो ये अनुभव में आ जाएगा। कर्मों को लेके भी ऐसे ही था, जैसे जब इंसान का पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो उसके पहले जब उसके कोई कर्म ही नहीं थे, तो जो पहला जन्म हुआ वो किस, कोई पहला नहीं है भाई, स्वप्न में आपका पहला जन्म हुआ था क्या? झूठे को आप सत्य क्यों मान रहे हैं? आप उसे सत्य, हम यही कह रहे हैं, जब सृष्टि आप देखो, ये जो कर्म है, ये जो जन्म है, ये सृष्टि है ना, इसलिए परमात्मा नहीं आपके ज्ञान में। अरे परमात्मा तो है ही नहीं ना, स्वप्न में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, उसकी चर्चा नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, असत की सत्ता ही नहीं है, भ्रम है वो। हाँ यही बात समझ में आए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु ही कृपालु। अगर हम उसकी सत्यता मानेंगे तो फिर ये भ्रम जाएगा नहीं। स्वप्न में प्रारंभ मध्य और अंत तीनों झूठे थे, क्या प्रारंभ था, क्या मध्य था, क्या अंत था, उसकी सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, उसकी सत्ता ही नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है। हम सारा विद्वता सारा जोर इसी की सत्ता पे लगा देते हैं, जो है नहीं उस पर हम क्यों रहे सत्य। जो आप यहां अध्यात्म की चर्चा करो ना, जैसे प्रपंच ज्ञान नहीं है, प्रपंच की वार्ता, तो क्या हम भी शास्त्र पढ़े हैं, हम अभी आपको बता सकते हैं कि भगवान ने संकल्प किया, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि रची, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर अपने आप को जब देखा कि सब विरक्त ही हो रहे हैं, तो दो भागों में कर लिया मनु और शत्रुपा, फिर उससे मैथुन सृष्टि प्रकट हुई, फिर कश्यप जी से ये प्रकट, सब पढ़ा है, सब जाना है। एक शब्द में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का अनुभव कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब काहे को उसकी सिद्धि करे समझ रहे, मतलब अध्यात्म की बात। हाँ अब उसको प्रपंच को बढ़ावा दे ला है, तो हमको अंधेरे को, अंधेरे में हमें रस्सी में सांप दिखाई दिया, अब हम उसको सांप सिद्ध क्यों करें? जब वो रस्सी है तो सांप सिद्ध क्यों करें? असली तत्व की बात यह है कि ये कभी हुआ ही नहीं, जो सामने देख रहे हो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वो दूसरा कोई नहीं है। अब जैसे उसकी खोज करें कि परमात्मा पहले हो, फिर उससे कर्म कैसे, जैसे मान लो अभी हम आपको फंसाते हैं, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ? तो आप कहेंगे वृक्ष तो बिना बीज के कैसे हो गया, तो आप कहेंगे बीज तो बिना वृक्ष के बीज कैसे हो, फंसते चले जाएंगे। जब झूठा है तो फंसते चले जाएंगे, और सत्य बात यह है कि वो बिना बीज के भी सबका बीज है, बिना वृक्ष के भी वो सबका वृक्ष है। ऊर्ध्वमूल मदासा का मत्तम प्रावर, यही परमात्मा शक्ति है, वो अपने आप को अपने आप में विस्तार कर रहा, उसको किसी बीज की जरूरत नहीं, उसे किसी वृक्ष की जरूरत नहीं, वो अपने आप से ऐसा जादूगर है कि अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर रहा है। ये हम भूल गए, इसलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही। एक प्रसंग कभी समय हो तो पढ़ना श्रीमद भागवत में, मार्कंडेय ऋषि का, तो आपको पता चलेगा। मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान आए प्रसन्न हुए, तो उनका वरदान मांगो, उनका आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं संसार झूठा है, पर प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, ये है क्या? तो भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव है, जहां सृष्टि का प्रकट होने की वार्ता है तो भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, माया शक्ति का प्रादुर्भाव, अलग अलग अंगों से भगवान की शक्तियां प्रकट होती ना, तो मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए सो देखा कि समुद्र चारों तरफ से उफान करके एक सेकंड में पूरा आश्रम डूब गया, और वो जल के थपेड़ों में,
न जाने कितने वर्ष जल के थपेड़ों में से वो त्राहिमाम मच गया। हे भगवान रक्षा करो। तो देखा एक वट वृक्ष, उसमें एक पत्ते में एक दोने में बाल गोविंद अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ करके पी रहे। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस रूप को देखा तो उनको तसल्ली हुई, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान हंस दिए, फिर आए से उनके मुख में चले गए, उनके पेट में गए तो देखा वही महाप्रलय चल रही। कितने कल्प तक घूमे, इसके बाद एकदम विकल हुए, कहा भगवान रक्षा करो। और जब विकल होकर के कहा रक्षा करो, आंख खोली तो देखे कुशासन में बैठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या था, पानी तो एक बूंद नहीं, हम महाप्रलय के जल में। बोले यही मेरी माया है। बोले प्रभु कभी जिंदगी में मत दिखा लो, हमारी हालत खराब माया का। और एक बार एक दिन सुदामा जी दोस्त है ना, गले में हाथ डाले समुद्र स्नान के लिए गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमारी माया बड़ी विचित्र, क्या है यार माया, हमको माया दिखाओ। बोले चलो पहले समुद्र स्नान कर लेते, फिर जो इस समुद्र में डुबकी मारी तो सुदामा जी एक राज्य में पहुंच गए। वहां देखा तो स्वयंवर हो रहा था, जबरदस्ती सुदामा जी का ब्याह हो गया, बड़ी सुंदर राजकुमारी। अब इतना वैभव सब, कई लड़का बच्चा हो गए। इसके बाद वो रानी मर गई, और वहां का नियम था कि सती तो वहां था कि पति को पत्नी के साथ जलाया जाता है। अब सुदामा जी को बांध लिया गया कि अब सती जैसे होती है ऐसे पति को जलाया जाएगा। अब वो चिल्लाए हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने इसे उठाया, बोले बड़ी लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यह ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया सब। बोले ये प्रभु, बोले यही तो बात। कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा नगर हो गया, विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, सब कहानी बन गई। और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय सिंह पढ़ के देख ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रसंग आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं, जय श्री राधे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूज्य महाराज श्री की ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं महाराज श्री की एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।